नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और जो है सेफेपाइमिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सेफेपाइमिन इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, और जिसका जेनेरिक नेम है सेफेपाइमिन दोस्तों। ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है सेफे इंजेक्शन दोस्तों। सेफे टीडी इंजेक्शन जैसे कि नीचे आप फोटो में देख रहे हैं, एरिया के अकॉर्डिंग ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। जेनेरिक और इथिकल में भी ये आपको अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों इसकी जो मार्केट में जो इसका प्राइस होता है, तो दोस्तों इसका मार्केट में होता है ये आपको 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का मिल जाता है, क्योंकि इसका रेट घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाला इंजेक्शन होता है दोस्तों, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, और दोस्तों ये हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जब ये इंजेक्शन कुछ इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो काम करना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद में इसको सेफेपाइमिन इंजेक्शन को यूज़ लेते हैं डॉक्टर, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, इसका जो सॉल्ट है जैसे मैंने आपको बताया जो कंटेन है वो है सेफेपाइमिन। अब दोस्तों इसका सेफेपाइमिन इंजेक्शन का यूज़ कहाँ लिया जाता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ लिया जाता है वो जैसे कि नमूनिए की शिकायत होती है, जो लंग्स से रिलेटिव बीमारी होती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, दमने की शिकायत होती है, सांस या मतलब सांस नहीं आता, अब बार बार खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है जिसको नमूनिया बोल देते हैं, जिसमें फेफड़े खड़खड़ की आवाज़ से आती है, तो उस कंडीशन में इसका सेफेपाइमिन इंजेक्शन का यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा जो इसका यूज़ लिया जाता है स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि स्किन पर खुजली आती हो, रैशेज हो गई हो, छिल गई हो, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लेते हैं, और जो हड्डियों का जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि और जैसे आप सभी जानते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है ये बीमारी के अकॉर्डिंग देख के लगाई जाती है कि क्या बीमारी है, उसी के हिसाब से इस दवाइयों को इनको लगाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सेफेपाइमिन इंजेक्शन का यूज़ लिया जाता है नमूनिया में लिया जाता है, या हड्डियों से रिलेटिव बीमारी हो जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या दोस्तों मान लीजिए स्किन इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या नमूनिया की शिकायत हो जाती है इन्फेक्शन का यूज़ लिया जाता है, या दोस्तों मान लीजिए आपको जैसे मैंने बताया कि खांसी होती हो, स्किन से रिलेटिव बीमारी हो, तो उस कंडीशन में इसका सेफेपाइमिन इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा यूज़ लिए जाते हैं, और अदर यूज़ भी कुछ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका यूज़ लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों, उसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे कि दोस्तों आपको इसे लगाने के बाद में आपको दस्तों की शिकायत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, या दोस्तों आपके पेट में दर्द हो सकता है, या दोस्तों आपके स्किन पे चकदे भी निकल सकते हैं, पेट में गैस बन सकती है, सिर दर्द हो सकता है, मतली उल्टी हो सकती है, कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट इंजेक्शन दे सके। अब दोस्तों इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं, तो दोस्तों इसको आईवी रूट से देना होता है, आईवी यानी नस के थ्रू भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रूट से लगाया जाता है आईएम और आईवी, लेकिन इसको ज़्यादातर आईवी ही दिया जाता है, यानी नस में दिया जाता है, इसको मास में बहुत कमी से दिया जाता है। अब मैं बता देता हूँ, तो इसको जो लेना होता है 1 ग्राम का इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, 1 ग्राम इंजेक्शन, क्योंकि ये वाटर के साथ में आता है, डिस्टिंग वाटर के साथ में पाउडर, तो इसको जो लिया जाता है दिन में एक बार इसे लेना होता है, 12 घंटे तक इसका असर रहता है 1 ग्राम का। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो इसे दिन में एक बार लेते हैं, और ज़्यादा परेशानी होने पे इसकी डोज बढ़ा दी जाती है, वो डॉक्टर इसे दिन में 2 बार भी देते हैं, तो इसे जो लेना होता है सिर्फ 1 ही बार इसे दिन में लेना होता है, और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 4 से 5 दिन तक का होता है दोस्तों, और अदरवाइज इससे ज़्यादा लें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सावधानी होती है जो गर्भवती महिला के लिए सेफ होता है, क्योंकि टेबलेट फॉर्म में इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल आपको हो जाता है, तो वो इसे लगवा सकती है, हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले जो मरीज़ होते हैं, जो बीमार होते हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि इसे कभी भी अल्कोहल के साथ में इसे इंजेक्शन का यूज़ ना करें, और इसे खाना खाने के बाद में इसे लगवाना होता है, और इसका साइकेट्रिक डॉक्टर यूज़ नहीं लेते। इसका जो यूज़ लिया जाता है, अब यूज़ बता देता हूँ मैं दोबारा से आपको, सेफेपाइमिन इंजेक्शन का जो यूज़ लिया जाता है दोस्तों, वो नमूनिए में,
या हड्डियों से रिलेटिव बीमारी हो जाती हो, स्किन इन्फेक्शन हो जाता हो या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता हो, या दोस्तों मान लीजिए इनमें से कोई भी बीमारी या कुछ डॉक्टर इससे अदर बीमारी में भी इसका यूज़ लेती हैं। तो दोस्तों अगर सेफेपाइमिन इंजेक्शन के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हम न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।